बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है किस बुनियाद पर? मैं उम्मीद करते हैं कि इस केस में जरिए से एडजस्टमेंट के थ्रू बुलडोजिंग जो है इस केस के बाद कोई राय आएगा तो ये बंद होगा इंशाल्लाह। बुलडोजर अक्सर मुसलमानों पर ही चलाए जाते हैं। जिन पर अभी कसूर भी साबित नहीं हुआ है, ना कोर्ट ने कोई अपना डिसीजन दिया है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और खास करके मुसलमानों। अब आप मुसलमानों का मकान तोड़ना बंद करिए, आप सीधा गोली मारिए। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार शरारती गुंडाई सब तत्वों से निपटने में सक्षम है। अपराधियों के दिल में निजाम का डर कानून व्यवस्था के पटरी पर बने रहने की गारंटी माना जाता है। जैसे ही ये डर खत्म होता है, कानून व्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। आजकल कुछ राज्यों में अपराधियों के अंदर सरकार का डर कायम करने के लिए बुलडोजर एक्शन को हथियार बना लिया गया है। लेकिन क्या ये बुलडोजर एक्शन गैर कानूनी है? क्या ये बुलडोजर एक्शन से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये बुलडोजर एक्शन रुक जाएगा? नमस्कार, मैं हूँ गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास टेली सीरीज बुलडोजर वर्सेज भाईजान द लास्ट फाइट, जिसके पहले चैप्टर ऑर्डर ऑर्डर में हम आपको दिखाएंगे बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए देश के मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंची और क्या बुलडोजर एक्शन पर रोक लगने वाली है। दूसरे चैप्टर मुस्लिम मोहल्ला में हम आपको बताएंगे देश के मुसलमान इस बुलडोजर एक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बुलडोजर मुसलमानों के लिए विलन है। तीसरे चैप्टर में बुलडोजर बदनाम में हम आपको बताएंगे क्या वाकई बुलडोजर के जरिए कुछ सरकारें भेदभाव कर रही हैं या बुलडोजर के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले देखिए बुलडोजर पर ब्रेक के लिए क्या क्या किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या दिल दहलाने वाली वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग जाएगी? क्या मासूमों की आबरू लूटने के आरोपियों के ठिकाने समतल होने से बच जाएंगे? क्या पुलिस पर पथराव करने के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगने वाला है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, भले ही बुलडोजर एक्शन को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई मानते हों, लेकिन जो ऐसा नहीं मानते वो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गए हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलेमाए हिंद को लगता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में अपराधियों पर एक्शन के नाम पर जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसका निशाना मुसलमान है और इसीलिए जमीयत उलेमाए हिंद बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब 2 सितंबर को बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन देश में ऐसा क्या हो गया कि जमीयत उलेमाए हिंद को बुलडोजर मुसलमान विरोधी लगने लगा और क्यों देश के मुसलमानों के अंदर बुलडोजर को लेकर असंतोष नजर आ रहा है? क्यों विपक्षी पार्टियां बुलडोजर एक्शन को खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बता रही हैं? ये एविडेंट है, लग रहा है, सारा देश देख रहा है, सारी दुनिया देख रही है कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करके डराने, धमकाने, ब्लैकमेल करने की आप कोशिश कर रहे हैं।
इसकी सबसे बड़ी वजह है हाल फिलहाल देश के बीजेपी शासित राज्यों में हुए चर्चित बुलडोजर एक्शन, जिसका निशाना संगीन आरोपों में फंसे अपराधियों के ठिकाने थे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या और कन्नौज में बुलडोजर एक्शन हुआ, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर चला और राजस्थान के उदयपुर में बुलडोजर ने आरोपी का घर जमींदोज किया। संयोग से इन सभी वारदातों में आरोपी मुसलमान थे। यही वजह कि मुसलमान बुलडोजर एक्शन को शक की निगाहों से देख रहे हैं। सब देखने वाले देख रहे हैं कि जब कार्रवाई होती है तो वन साइडेड होती है। हिंदुस्तान में दो कानून अब साफ नजर आने लग गए, मुसलमानों के लिए अलग और बाकी समाज के लिए अलग। लेकिन मुसलमानों का बुलडोजर पर शक एक तरफ और इन आरोपियों पर लगे संगीन आरोप दूसरी तरफ। जो बुलडोजर एक्शन को सही ठहराने वालों के तर्कों में नजर भी आता है। जिस प्रकार के अपराध हो रहे हैं छोटी छोटी बालिकाओं के साथ गैंग रेप के, उसमें अपराधियों को छोड़ा तो नहीं जाना चाहिए। और इसलिए मैं समझती हूँ कि जब तक सख्त सजा नहीं देंगे तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर रोक नहीं लगेगी। योगी बाबा का बुलडोजर चलता रहना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। लेकिन कई मामलों में गिरफ्तारी के बाद और आरोप साबित होने से पहले ही बुलडोजर गरज जाते हैं। हालांकि इसका निशाना अवैध निर्माण होते हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक जिन आरोपियों के घर और ठिकाने बुलडोजर से ढाए गए, उनके ऊपर हत्या, रेप और पुलिस पर हमले जैसे संगीन आरोप लगे थे। राज्यों में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके अवैध निर्माणों के बारे में जानकारी हासिल की गई, फिर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन बुलडोजर के विरोध में खड़े मुसलमान मानते हैं कि आरोपियों के निर्माण सिर्फ इसलिए ढाए गए क्योंकि वो मुसलमान थे। बुलडोजर एक्शन के विरोधी सीधा आरोप लगा रहे हैं, हिंदुओं को खुश करने के लिए मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये दूसरी कम्युनिटी को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हम लोग इनका क्या हाल किए हैं, इनको कैसा हम सेकेंड ग्रेड सिटीजन देश में बना रहे हैं, कैसा इनको जो है हमारे सिटीजनशिप से के जो जितने उनके राइट्स हैं उससे उनको महरूम करके कैसा उनको दूर रख रहे हैं, ये दिखाना आप चाह रहे हैं। और इससे आप पोलराइज करके, डिवाइड करके आप वोट लेके जीतना चाह रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों के इन आरोपों के अलावा हाल के मामलों में जिस तरह के अपराध हुए उन पर भी नजर डालना जरूरी है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर को ब्रांड बनाने वाले योगी आदित्यनाथ के राज में अयोध्या में बुलडोजर एक्शन। निशाना नाबालिग से रेप के आरोपी मोइन खान के ठिकाने थे। मोइन खान की बेकरी को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। इसके अलावा मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी बुलडोजर ने जमींदोज किया। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर पथराव के आरोपी हाजी शहजाद अली के आलीशान महल नुमा मकान को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। हाजी शहजाद अली के अगुवाई में 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुई और उपद्रवियों ने कोतवाली थाने पर पथराव और हमला किया। हमले में कोतवाली थाना प्रभारी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं राजस्थान के उदयपुर में अपने सहपाठी को चाकू मारने का नाबालिग आरोपी जिस घर में रहता था उस घर पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। उदयपुर में आरोपी अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहता था, ऐसे में सवाल ये भी उठा कि आरोपी के बजाय किसी और पर कार्रवाई हो गई। हालांकि सरकारें अवैध निर्माण पर कार्रवाई की बात करती हैं, लेकिन मुसलमान आरोपियों पर एक्शन को मुद्दा बनाया जा रहा है। सजा मुजरिम को मिलनी चाहिए, उसकी जायदाद या उसके मकान ने कोई कसूर नहीं किया, उसके जो दीगर उस घर में रहने वाले लोग हैं उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, उनको किस बात की सजा दी जाती है? ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ चुन चुन कर मुसलमान अपराधी या माफिया और गैंगस्टर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, लेकिन मुद्दा मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर बना। और
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 जून 2022 को एक बुलडोजर एक्शन हुआ। उस दिन जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का आलिशान मकान पीडीए ने बुलडोजर से ध्वस्त किया। हिंसा भड़काने के आरोपी जावेद को लंबे वक्त जेल में रहना पड़ा। फिलहाल जमानत पर बाहर जावेद पंप ने भी बुलडोजर एक्शन पर दर्द बयान किया। जावेद मोहम्मद के नाम से रात में 11 बजे वहां पर एक नोटिस चिपकाई गई चोरी से छुपे छुपकर एडीए वालों ने, और संडे की सुबह 11 बजे डिमोलिशिंग कर दिया और हमारी फैमिली को उस मकान से दूर रखा डिटेन करके, ये इसलिए कि ये लोग इकट्ठा न करने पाएँ, कोई बात कहने ना पाएँ, मीडिया से बताने ना पाएँ कि यह मकान जावेद के नाम नहीं परवीन फातिमा के नाम है। हालांकि ये बड़ी सच्चाई है कि जावेद पंप पर लगाए गए आरोप काफी संगीन है और प्रशासन ने जावेद के अवैध निर्माण को ही ध्वस्त किया था। जावेद पंप के ऊपर एनएसए तक की कार्रवाई हुई, जिसके बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जावेद पंप के 2 मंजिला आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया। ध्वस्तीकरण के ऊपर, इस बुलडोजर एक्शन के ऊपर पीडीए यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह बयान दिया कि जावेद पंप का जो 2 मंजिला आलिशान मकान था उस मकान का नक्शा नहीं पास था और ये अवैध था, इस वजह से उन्होंने इस पूरे मकान के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की थी। जमीयत इसके पहले भी देश में बुलडोजर एक्शन के कई मामलों के खिलाफ कोर्ट का रुख कर चुकी है और अब कुछ नए मामलों को लेकर अर्जी दी गई। 2 सितंबर को होने वाली सुनवाई पूरे केस के लिए महत्वपूर्ण है और उतनी खास है बुलडोजर एक्शन पर आम मुसलमानों की राय भी। मुसलमान जो है अपनी किसी भी उसके लिए जो उसके खिलाफ कोई काम होता उसके लिए कोई आवाज ना उठा सके, तो बोले इनको इतना दबा दो, इनके घरों बुलडोजर चला दो। कुछ राज्यों में जो है कि सरकारें किसी की सुनती नहीं है और वो मनमानी तरीके से बुलडोजर लेकर के वहां पहुंच जाते हैं, उनका घर तोड़ देता है। जो बेगुनाह है, जिन पर अभी कसूर भी साबित नहीं हुआ है, ना कोर्ट ने कोई अपना डिसीजन दिया है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आरोपी अगर एक है तो आप 5ों का घर गिरा देते, बिल्कुल खराब देते, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। बुलडोजर कार्रवाई एक तरह से जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उन पर जुल्म है। गलती एक करे वो सजा सबको मिले, ये कोई कानून थोड़ी है। एक समुदाय के लोग वो के ऊपर खास कर ये निशाना बनाया जाता, टारगेट किया जाता उन लोगों को और फिर उनका घर गिरा दिया जाता। एक किस्म का गैर संवैधानिक काम कर रही है सरकार। पूरी फैमिली का एक मुद्दत एक जमाना गुजर जाता है एक मकान को बनाने में और ये जालिम हुक्मरान ऐसे हैं कि घर तोड़ देते हैं, एक मिनट नहीं लगती इनको बुलडोजर चलाने में। बुलडोजर का नाम लेकर पहला सवाल पूछते ही मुस्लिम मोहल्ले से एक साथ कई आवाजें आती थीं। कोई बुलडोजर को मुसलमानों को दबाने का हथियार मानता है तो कोई इसे बेइंतहा जुल्म ढाने वाली सरकारी मशीन। हालांकि कई राज्य सरकारें इसी बुलडोजर को माफिया और अतिक्रमण के खिलाफ सबसे कारगर हथियार बताती हैं। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई लोकेशंस पर बुलडोजर ने घरों और दुकानों को समतल किया है। कुछ मामलों में आरोपियों का मजहब मुस्लिम था तो कई बार दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ भी बुलडोजर चला है। लेकिन जिस बुलडोजर को सीएम योगी अवैध कब्जे का दुश्मन बताते हैं, वही बुलडोजर भाईजान के लिए मुसलमानों का दुश्मन बन जाता है। सवाल है कि बुलडोजर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? यही बुलडोजर जब दूसरे धर्म के आरोपियों को टारगेट करता है तब कोई उन्हें बचाने की बात क्यों नहीं करता? एक खास धर्म विशेष के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन देखते ही भाईजान की तकलीफ क्यों बढ़ जाती है? आरोपी अगर एक है तो आप 5ों का घर गिरा देते, बिल्कुल खराब देते, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है। ये बुलडोजर एक्शन देखा के या तो एक समुदाय में खौफ पैदा करने के लिए, अगर कोई भी मुसलमान का नाम किसी जुर्म में आ जाता है तो बिना किसी अपराध के, बिना कोई न्यायालय के आदेश के उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता। कोर्ट को तुरंत अपने संज्ञान में लेकर इस कार्रवाई को रुक जाएगी।
बुलडोजर पर भाईजान और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के बीच आरोप प्रत्यारोप से कुछ बड़ी बातें सामने आती हैं। भाईजान का दावा है कि मुसलमानों पर आरोप लगते ही बुलडोजर से उनके घर या दुकानों को निशाना बनाया जाता है, तो सरकार का जवाब कि अवैध तरीके से बने घर या अतिक्रमण करने वालों के घरों या दुकानों को तोड़ा जाता है। भाईजान कहते हैं कि बुलडोजर से सबसे ज्यादा टारगेट मुसलमानों को हुआ, जबकि सरकारी दावा ये कि बुलडोजर एक्शन का किसी खास या सिर्फ एक मजहब से कोई संबंध नहीं। भाईजान का अगला आरोप ये कि बुलडोजर का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय में खौफ पैदा करने के लिए किया जाता है, पर सरकार का जवाब ये कि जाति या मजहब देखे बिना कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होता है। बुलडोजर के इस एक्शन को नाम दिया गया है बुलडोजर जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट को दी गई अर्जी में लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों का दमन करने और खौफ फैलाने के मकसद से राज्य सरकारें उनके घर और संपत्ति पर बुलडोजर चलाने को बढ़ावा दे रही हैं। सरकार और प्रशासन पर आरोप है कि वो आरोपियों को बचाव करने के लिए कानूनी उपाय करने का मौका ही नहीं देते हैं। FIR होते ही ऑन द स्पॉट सजा देने के लिए बुलडोजर चलवा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से भाईजान उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसकी वजह है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का नेम प्लेट वाला फैसला। जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और अब भाईजान को बुलडोजर पर भी सुप्रीम कोर्ट से फुल स्टॉप लगाने वाला फैसला आने की ख्वाहिश है। बुलडोजर पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इससे लोगों में एक भय का माहौल पैदा होता है और लोगों का जो एक संविधान पर यकीन है, कानून पर यकीन है, कहीं ना कहीं कमजोर होता है। ऐसी चीजों से उन सरकार के जिम्मेदारों को रोकना चाहिए कि वो इस तरह का कोई भी कार्य ना करें जो गैर संवैधानिक हो। भाईजान ने बुलडोजर की कार्रवाई को ही संविधान के खिलाफ बता दिया। क्या इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर फुल स्टॉप लगाने जा रहा है? 2 सितंबर को सुनवाई होने के बाद ये साफ हो जाएगा। फिलहाल जिस तरह से देश भर में कानूनी तैयारी हो रही है, बुलडोजर के रास्ते में कई स्पीड ब्रेकर भी दिखाई दे रहे हैं। यूपी के सीएम योगी ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की जो सौगंध खाई, उस ऑपरेशन में बड़ा किरदार बुलडोजर ने भी निभाया। आंकड़ों से समझे कि बुलडोजर की मदद से कैसे यूपी में अपराध का सफाया हुआ। योगी के शासनकाल में साल 2017 से जून 2024 तक कई माफिया, गैंगस्टर, पत्थरबाज, दंगाई और दुष्कर्मियों के घर बुलडोजर से तोड़े गए। इस दौरान करीब 12,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बुलडोजर एक्शन के जरिए सीज की गई या ध्वस्त की गई। साल 2021 तक 67,000 एकड़ जमीन को बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। क्या बुलडोजर बिना वजह ही बदनाम हो गया है? योगी के शासनकाल में माफिया, गैंगस्टर, पत्थरबाज, दंगाइयों और कुकर्म के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को ध्वस्त करके बाहुबलियों को करारा जवाब दिया गया। हजारों एकड़ जमीन को कब्जे से छुड़ाया गया। ऐसा करने में बुलडोजर ने बड़ा रोल निभाया, पर अब इस बुलडोजर को सांप्रदायिक बताया जा रहा है। बुलडोजर चलने की तस्वीरें कुछ दिन पहले कन्नौज से आई, जब रेप के आरोपी और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार के कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला। तब किसी ने बुलडोजर को मजहबी नहीं बताया। रेप आरोपियों के ठिकाने पर बुलडोजर चलाकर बाबा जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था के लिए बुलडोजर लेकर तैयार है। पर भाईजान इस बुलडोजर की लड़ाई सीधे लेकर पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, जहां इस पर आखिरी लड़ाई होनी है। भाईजान जिस बुलडोजर को एंटी मुस्लिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वह कन्नौज रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव के खिलाफ भी चला और कानपुर में विकास दुबे के घर भी पहुंचा।
सरकार का दावा है कि बुलडोजर मजहब देखने के बदले धर्मनिरपेक्ष होकर काम करता है, लेकिन भाईजान उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जहां मुस्लिम कार्ड खेलने की गुंजाइश होती है। बुलडोजर वर्सेस भाईजान द लास्ट फाइट में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज। Z News.